ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी ने हलषष्ठी व्रत के विधि का नियम जाना पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम सभी हलषष्ठी व्रत की कथा सुनेंगे। आप जैसा कि जानते हैं, पिछले वीडियो में बताया मैंने, आपको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता जी जो हैं, यानी कि श्री बलराम जी जो हैं, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ। हलषष्ठी की व्रत कथा आइए अब सुनते हैं। इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन आने वाला है उसके बारे में कथा लेकर के आएंगे। तो आप सभी चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। आइए कथा सुनते हैं बलराम जी के षष्ठी व्रत का, यानी कि जिसे आप सभी बलराम जी के जन्मदिन के रूप में भी जानते हैं, इसे हलषष्ठी व्रत कहते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था, यानी कि उनको बच्चा होने वाला था। एक ओर वो प्रसव से व्याकुल थीं तो दूसरी ओर उनका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उन्होंने सोचा यदि प्रसव हो गया तो गौरस वैसे ही पड़ा रह जाएगा। यह सोच करके उन्होंने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। पर कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वो एक झरबेरी की ओट में चली गईं और वहाँ एक बच्चे को, सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़ करके पास के गांव में दूध दही बेचने चली गईं। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बता करके उन्होंने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उन्होंने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वो बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़ करके चला गया। कुछ देर के बाद ग्वालिन दूध बेच करके वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैं झूठ बोल करके गाय का दूध न बेचा होता, और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। इसीलिए मुझे लौट करके सारी बातें गाँव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध और दही बेचा था। वो गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी, बताने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खा करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देख करके आश्चर्यचकित रह गई कि वहां पर उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। ये कथा श्रवण करने से और अमल करने से जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं, जीवन ईश्वर की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाता है और सत्य ही ईश्वर है ये कहा जाता है, अक्सर आपने सुना होगा, इससे भी यही पता चलता है। तो बोलिए प्रेम से एक बार हलधर महाराज की जय। जय श्री राधे कृष्णा। कमेंट में जरूर लिखिए। ये कथा रही हलषष्ठी व्रत की। ऐसे ही आपके लिए हम नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, जैसे कि अब कृष्ण जन्माष्टमी की कथा हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर लीजिए ऑन, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से हमारे साथ जरूर बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।